गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बेटा बेटा, लास्ट क्लास की बात करें तो हमारा क्वेश्चन चल रहा था टेंजेंट्स. मैंने ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था. टेंजेंट्स आर फ्रॉम द ओरिजिन 0,0 टू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स. फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट लाइन ऑन द कर्व. ठीक है, मतलब मैंने कहा था कि बेटा अगर मैं 0,0 से साइन एक्स के ऊपर कर्व डालू, टेंजेंट डालूंगा, तो जो भी उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टेंजेंसी होगा बेटा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होगा, उस पॉइंट का बेटा मुझे क्या निकालना है, लोकस निकालना है. ठीक है, तो लोकस आर्टी पॉइंट रिड्यूस हो गया एच कॉमा के. मैंने पहला काम बोला था कि जो भी पॉइंट मिलेगा उसे मुझे कर्व में ही डालना है, तो मुझे बेटा यहां से मिल गया के इज इक्वल टू साइन एच. कितना मिल गया, के इज इक्वल टू साइन एच. अब 0,0 बेटा अगर मैं बात करूं तो बेटा देखिए, ये पॉइंट कर्व के आउट एक पॉइंट तो बेटा एक टेंजेंट तो मेरे 0,0 पे जाएगी, उसके अलावा सभी टेंजेंट के लिए बेटा ये आउटसाइड द कर्व की तरह काम करेगा, पॉइंट आउटसाइड द कर्व. अगर पॉइंट आउटसाइड द कर्व होगा तो बेटा मैं जानता हूँ dy / dx बेटा मुझे देगा y2 - y1 / x2 - x1 देगा नहीं देगा. तो y मेरा कितना था sin x, तो dy / dx कितना आ गया cos x, h की x की जगह h, तो बेटा ये आ गया cos h. ठीक है, और यहाँ से क्या मिल गया मुझे बेटा k - 0 / h - 0. ठीक है, क्योंकि पॉइंट मेरा h कॉमा k है और दूसरा पॉइंट बेटा 0,0 है. ठीक है, अब बेटा मुझे लोकस निकालना है. तो मैंने आपसे कहा भी होगा कि अगर ट्रिग्नोमेट्री के लोकस के अंदर साइन कॉस दोनों आते हैं तो बेटा दोनों का स्क्वायरिंग करो और ऐड कर दो. तो मैं क्या करूंगा, दोनों की स्क्वायरिंग करूंगा और ऐड कर दूंगा. मुझे क्या मिल गया, k² + k² / h² = 1. यहाँ से मुझे मिल गया एलसीएम चला गया k² h² और एलसीएम चला गया k² h² बेटा. उसके बाद मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया h² बेटा. अगर मैं इस h को इधर ले आऊं तो ये कितना हो जाएगा -k² होगा. x को y डाल दिया h² - y² = x² y² बेटा ये मेरा फाइनल आंसर आ गया लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ठीक है, चलिए अगले हेडिंग पे चलते हैं. अगले हेडिंग क्या है बेटा, मिनिमम एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व. तो सबसे पहले पढ़िएगा, टू कर्व आर सेट टू बी क्लोजेस्ट व्हेन बोथ हैव पैरेलल टेंजेंट. बेटा आगे लिख दीजिएगा एंड ए कॉमन कॉर्ड, एंड ए कॉमन, हाँ जी, कॉमन कॉर्ड नहीं कॉमन नॉर्मल, मतलब ये. ठीक है ना, हाँ सेकंड पॉइंट, ए लाइन एंड कर्व आर क्लोजेस्ट व्हेन टेंजेंट ऑन द कर्व इज पैरेलल टू द लाइन. बिल्कुल सही है. ठीक है, देखिए बेटा एक बात ध्यान रखिएगा कि दो कर्व अगर मुझे दे रखे हैं तो देखिए इधर बेटा मेरी जो टेंजेंट बनेगी और इधर जो बेटा मेरी टेंजेंट बनेगी, ये दूरी बेटा मेरी क्या होगी, शॉर्टेस्ट होगी. ठीक है ना, जब दोनों पे बनने वाली टेंजेंट आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी. क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ, तो बात ध्यान रखिएगा कि दो कर्व में अगर टेंजेंट मेरी पैरेलल हो रही है, ठीक है, तो बेटा वो मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देगा. क्या देगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ठीक है ना, अगर मैंने लाइन और कर्व लिया है, एक लाइन ली है एक कर्व लिया है, तो जो टेंजेंट है उसका स्लोप इस लाइन के पैरेलल हो जाए तो बेटा मुझे ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देगा. गिरा, ठीक है ना. तीसरा पॉइंट समझिए बेटा, नॉर्मल टू द कर्व सर्कल पासिंग थ्रू सेंटर, कॉमन पॉइंट है कि सर्कल के जितने भी नॉर्मल होते हैं वो सभी कहां से पास करते हैं, सेंटर से पास करते हैं. ठीक है ना,
तो शॉर्टर डिस्टेंस के लिए कंडीशन क्या हो गई, स्लोप ऑफ कर्व वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कर्व टू। क्या सभी को समझ में आया? नहीं आया, ठीक है। अब बेटा इनके अलावा एक चीज और समझना कि जो मेरा कॉन्सेप्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का है, ठीक है ना, वही मेरा कॉन्सेप्ट बेटा लार्जेस्ट डिस्टेंस का भी है। किसका भी है? लार्जेस्ट डिस्टेंस का भी है। कैसे? मैं समझाता हूं। बेटा देखो, मान लो मैंने कुछ दो कर्व इस तरह से ले लिए, ठीक है। अब बेटा देखो, शॉर्टर डिस्टेंस में अगर मैं पूछूंगा तो बेटा दोनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब शॉर्टर डिस्टेंस बेटा मेरी होगी दूरी, ठीक है ना। बट अगर मैं लार्जर डिस्टेंस पूछूंगा तो बेटा इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट डालता हूँ, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, तो बेटा ये जो दूरी होगी ना, ये जो दूरी होगी, इसको मैं बोलूंगा बेटा लार्जर डिस्टेंस। क्या समझ में आया? नहीं सभी को? नहीं आया? हाँ जी, ये जो दूरी होगी बेटा इसको मैं क्या बोलूंगा? लार्जेस्ट डिस्टेंस। तो बेटा जो मेरी कंडीशन शॉर्टर डिस्टेंस की होती है, अगर दो कर्व मेरे कट नहीं कर रहे तो जो कंडीशन मुझे शॉर्टर डिस्टेंस की देगी, और अगर दोनों कर्व कट कर गए तो बेटा वही कंडीशन बेटा मुझे लार्जेस्ट डिस्टेंस भी देगी। क्लियर हुआ? नहीं हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। ब्लैंक ऑफ टू रिवर आर पैराबोला y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड डी लाइन y इज इक्वल टू x माइनस टू। दीज रिवर आर कनेक्टेड बाय स्ट्रेट कनाल, देन कोऑर्डिनेट ऑफ द कनाल। बेटा देखिए, एग्जामिनर क्या बोल रहा है एक बार आप पढ़िए इसको, मैं आपको एक मिनट दे रहा हूँ। बैंक का मतलब किनारा होता है बेटा, ठीक है। एक मिनट पढ़िए, मैं आपको एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा देखिए, बेटा मुझे एक कर्व दे रखा है पैराबोला, एक रिवर दे रखी है, दूसरी दे रखी है स्ट्रेट लाइन। दो कर्व रिवर दे रखी है। अब एग्जामिनर बोल रहा है दोनों के बीच में भाई मुझे एक रिवर बनानी है, ठीक है, कनाल बनानी है। शॉर्टेस्ट कनाल होनी चाहिए, लिखा नहीं है कि लिखा है, शॉर्टेस्ट कनाल होनी चाहिए, तो उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, ठीक है। एग्जामिनर कोऑर्डिनेट्स भी पूछ सकता है और इक्वेशन ऑफ कनाल भी पूछ सकता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था बेटा, अगर वो शॉर्टेस्ट कनाल है और मिनिमम लेंथ ऑफ कनाल, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन बोथ स्लोप आर सेम, दैट इज पहले का स्लोप क्या होगा बेटा, टी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये कितना आ गया, 2x। ये कितना आ गया, 2x, ठीक है। और दूसरे का स्लोप कितना होगा, देखिए 1। तो बेटा ये कितना आ गया, 1। मतलब मेरा x कितना निकल गया बेटा, मेरा x निकल गया 1/2। और मुझे ये वाला x कहाँ से मिला बेटा, ये वाला x बेटा मुझे मिला किससे, इससे, ठीक है ना। इसका मतलब x इक्वल टू 1/2 कहाँ पे होगा, पैराबोला पे होगा। तो x मेरा 1/2, अगर मैं x को 1/2 यहाँ डालता हूँ तो y मेरा कितना आ गया, 1/4, ठीक है। बट अभी भी हमारा आंसर नहीं निकला, आंसर मुझे ये कोऑर्डिनेट और निकालना है, ठीक है ना। तो बेटा ये कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके, या फिर तो आप इक्वेशन ऑफ कर्व निकाल लो, ठीक है, इंटरसेक्ट करा दो, या फिर आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर लगा दो, मतलब इस पॉइंट से इस लाइन पे पड़ने वाला फुट ऑफ परपेंडिकुलर वो निकाल लो। दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। बट लाइन वाला ज़्यादा बेस्ट रहता है क्योंकि याद करने की जरूरत नहीं पड़ता। वैसे इस लाइन की क्वेश्चन क्या होगी, देखिए ये इसके पैरेलल है, तो अगर इसका स्लोप 1 होगा तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा, -1। स्लोप मुझे पता है, पॉइंट मुझे पता है, इक्वेशन ऑफ कनाल क्या हो जाएगी बेटा मेरे पास, y माइनस 1/4 इज इक्वल टू -1, x माइनस 1/2। तो कर्व क्या, क्वेश्चन क्या गया, x प्लस y इज इक्वल टू 3/4, ठीक है ना। इसकी इस लाइन की क्वेश्चन आ गई, x प्लस y इज इक्वल टू 3/4, और बेटा इसकी क्वेश्चन है x माइनस y इज इक्वल टू 2। दोनों को ऐड कर दो,
मेरा एक साथ 11/4, ठीक है ना, इसको इसमें पुट कर दो। मेरा भाई आ गया 28/20, 27/8, तो बेटा ये मुझे मिल गया दूसरा पॉइंट 11/8 एंड 28/8, क्लियर हुआ, मतलब ये वाला पॉइंट। तो बेटा देखिए मेरे दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, और क्या आ चुका है बेटा, इक्वेशन ऑफ कर्नल आ चुकी है। अगर कोई आपसे पूछा कि दूरी कितनी होगी, तो बेटा आपके दोनों पॉइंट निकल चुके हैं, आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के दोनों की दूरी भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू 9 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बेटा एक्चुअल में क्या है, मेरे गले में दिक्कत है, तो थोड़ा मैं धीरे बोल रहा हूँ, ठीक है बेटा। ध्यान रखिएगा, आपको एक सर्कल दिया हुआ है और एक हाइपरबोला दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? हाइपरबोला। और आपसे शॉर्टर डिस्टेंस पूछी, क्या पूछी? शॉर्टर डिस्टेंस। तो बेटा हम जानते हैं शॉर्टर डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, स्लोप ऑफ बोथ कर्व आर इक्वल। तो पहला कर्व क्या आया, वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू 9 था, तो मैं बोलूंगा वाई इज इक्वल टू 9/x। तो यहाँ से डी अपॉन डी एक्स कितना आ गया बेटा, ये आ गया बेटा -9/x² आएगा, ठीक है। और सर्कल कितना था, 2x x² + y² = 1। डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा, 2x + 2y dy/dx = 0, ठीक है। तो पहले तो x उधर जाएगा तो -x हो जाएगा, और फिर y उसके नीचे जाएगा तो बेटा अपॉन y हो जाएगा, तो बेटा मुझे मिल जाएगा -y/x, ठीक है ना। इज इट क्लियर टू ऑल? और अगर मुझे शॉर्टर डिस्टेंस चाहिए तो दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इक्वेट कर दिया बेटा। प्रॉब्लम की बात क्या है बेटा, प्रॉब्लम की बात ये है, मैंने आपसे पहले ही बोली थी कि कर्व में दो अननोन है, एक इक्वेशन है, मैं कैसे निकालूं, ठीक है ना। तो बेटा कर्व के पास जाओ और उससे पूछो कि क्या आपके पास कोई अल्टरनेटिव है। क्या ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक अल्टरनेटिव है, मतलब मैं चाहूँ तो एक्स को वाई के टर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ इस कंडीशन के थ्रू। तो उससे क्या होगा बेटा, पूरा फंक्शन ओनली एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा फंक्शन ओनली एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक्स पे कन्वर्ट होने की वजह से मुझे मेरे एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, और फिर दूसरे रिलेशन से बेटा मेरे वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो देखो 9/x मुझे कितना दे रखा था, वाई दे रखा था, तो इसको मैं तोड़ दूँ, 9/x वाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, मुझे आ गया y² = x², ठीक है। वैसे सीधा हो गया, आप चाहते तो 1/y को भी, 1/y को भी x/9 बोल सकते थे, ठीक है। तो वहाँ से आप सॉल्व करते तो बेटा वहाँ से आपका x निकलता, फिर आप y निकालते, फिर आप इक्वेशन निकालते, ठीक है। एक तरीका बेटा वो भी हो जाता, ठीक है ना। कर्व खोल दिया, 2y y = x और y = x - x, बेटा ये तो एक्सेप्ट होगा नहीं, ये एक्सेप्ट हो जाएगा बेटा। क्यों? बेटा y = x, ये वाई लाइन जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों कर्व को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ठीक है ना। तो मुझे मिल गया बेटा कि मेरे पास लाइन आ चुकी है y = x, तो मैं क्या करूँगा, y = x लाइन को दोनों कर्व से सॉल्व करूँगा। जब बेटा मैंने इसे सॉल्व किया तो मुझे मिला +-3, ठीक है ना। और जब मैंने इसे सॉल्व किया तो बेटा मुझे मिला +-1/√2। तो मेरे पास पॉइंट आ चुके हैं, ये वाला आ गया 3, 3/3, और बेटा ये आ गया 1/2, 1/2, ठीक है बेटा। +-3 कैसे, ये +-, प्लस के 3 इधर थे, माइनस के 3 इधर था, और +-1/√2 प्लस का रूट टू इधर था, माइनस का रूट टू इधर था, ठीक है। अब आपको पी क्यू चाहिए, कोऑर्डिनेट्स आपके पास है, तो क्या करोगे बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालोगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको नोट निकाल रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स है। व्हाट द कर्व x² + y² = a² and xy = c, बेटा ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कई बार जेई में पूछा जा चुका है, सीधा नहीं तो गवा के। ओनली जेई नहीं बेटा, बाकी जो आपके वो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, गोसीटी का हो गया है ना, बिट्स का हो गया, VIT का हो गया, ठीक है बेटा, इन सभी एग्जाम्स में बेटा ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, ठीक है। तो बेटा आपको सीधा करके आना, क्या करना क्या है बेटा,
जब भी आपको ये वाली कंडीशन देखे बेटा, आपको शॉर्टेस्ट लाइन के लिए लाइन कौन सी होगी आपकी ऑलवेज, बेटा एक्स इक्वल टू वाई होगी जब सी मेरा पॉजिटिव होगा, मतलब मेरा ये वाला कर्व होगा, ठीक है। जब सी नेगेटिव होगा मतलब ये वाला कर्व होगा, तो बेटा उसके सिमटा में लाइन होगी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, ठीक है ना। आपको इन दोनों इस जब भी आपको कुछ कॉल सॉल्व करना है तो एक्स इक्वल टू वाई को इन दोनों कर्व से सॉल्व कर लेना है। आपका क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट आ जाएगा, मतलब ये दूरी ये पॉइंट आ जाएंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्लियर। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था बेटा, याद रखना, ठीक है। अगले दिन देखिए बेटा, गेटिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना, ठीक है ना। पहला पॉइंट देखिए, एनी कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन हैव इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू ओरिजिन डायरेक्टली इक्वलाइजिंग इट्स लोएस्ट डिग्री ऑफ टर्म इक्वल टू जीरो। मतलब बेटा अगर कोई कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है ना, और मुझे 0,0 पे उसकी टेंजेंट को निकालना है, तो बेटा हम क्या करेंगे, उसकी लोएस्ट डिग्री टर्म को जीरो के इक्वल कर देंगे। आपको क्या निकल जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया वाई इज इक्वल टू 4x2, इसकी डिग्री कितनी बेटा हो 2, इसकी डिग्री कितनी बेटा 1, तो बेटा 1 डिग्री वाले को बेटा मैं जीरो के इक्वेट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिला 4ax = 0, दैट इज x = 0 इज आवर टेंजेंट। क्लियर हुआ, जैसे मैंने बोला x² + 2y² + 2gx + 2ay = 0, ठीक है। अब देखो आप 0,0 डालो, 0 + 0 + 0 + 0, ठीक है ना, हो रहा नहीं हो रहा। हाँ जी, तो बेटा पहले की टर्म की डिग्री 2, दूसरे टर्म की डिग्री 2, तीसरे की डिग्री 1, चौथे की डिग्री 1, तो बेटा मैं 1 डिग्री वाले को इक्वल करूंगा इक्वल टू 0, ये क्या हो गया इक्वल टू 0, तो बेटा मेरे पास ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या समझ में आया, जब भी कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है और मुझे ओरिजिन पे टेंजेंट चाहिए, तो लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 के इक्वेट कर दो, ठीक है। अब ये देख लीजिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एक बार आप निकाल लीजिए अपना, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ। चलिए बेटा डिग्री चेक करिए, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री भी 3, इसकी डिग्री भी 3, बेटा इसकी डिग्री कितनी 2, इसकी डिग्री 2, तो मैंने क्या कहा था लोएस्ट डिग्री टर्म को इक्वल टू 0 कर दो। बेटा इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है बेटा, ये वाली, तो मैं क्या करूँगा x² - 5² = 0 = y = +-1, तो बेटा मेरी 2 इक्वेशन आएंगी ओरिजिन पे, एक है कि y is equal to x और एक है कि बेटा y is equal to minus x। क्लियर हुआ, चलिए अगला क्वेश्चन, फाइंड क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट। फिर से बेटा लोएस्ट डिग्री, सारा फंक्शन एक तरफ, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, तो 2 डिग्री वाला इक्वल टू 0, तो बेटा फिर से मुझे मिल गया x² = +-1, ठीक है ना। चलिए फॉर कॉनिक सेक्शन सेकंड पॉइंट देखिए बेटा, फॉर कॉनिक सेक्शन ax² + 2bx + 2gx + 2ay + c इक्वेशन t = 0, बेटा t = 0 कब लगेगी, जब मेरा पॉइंट x1, y1 मेरे कहाँ पे होगा, ये पॉइंट बेटा मेरे कर्व के ऊपर होगा, किस पे होगा, ऑन द कर्व, अगर बेटा ऑन द कर्व होगा तो मैं क्या करूंगा बेटा x² की जगह x x1 लिख दूंगा, y² की जगह y y1 लिख दूंगा, 2x की जगह x + x1 लिखूंगा बेटा, 2y की जगह बेटा f y + 5 लिखूंगा, ठीक है। वैसे बेटा xy की टर्म मैंने इधर लिखी हुई नहीं है, ठीक है ना, बट अगर कभी आ जाती है, वैसे आज तक कभी आई नहीं है, जय के सिलेबस पे भी नहीं है,
तो बेटा वो होता है एक्स एक्स वन प्लस फाइव वाई वन इजिकल टू टू। ठीक है, मैंने रैंडमली लिख दिया है, यूज इसका इतना नहीं है हमारे लिए। ठीक है, यूज इतना क्या, यूज ही नहीं है इसका हमारे लिए, इसका हमारे लिए कोई भी यूज नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन चलते हैं। से एग्जाम्पल मैंने ले लिया क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट वाई इजिकल टू फोर एक्स एट एट फोर कॉमा एट। तो मुझे फोर कॉमा एट पे चाहिए, ऑरिजिन पे नहीं चाहिए, तो क्या करूँगा वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, तो वाई वन कितना है एट, तो मैं बोलूँगा एट वाई। और इसकी जगह क्या था, टू एक्स की जगह एक्स प्लस एक्स वन, टू एक्स का मतलब इसको 16 को तोड़ दूँ एट इंटू टू में, तो एक तो एट हो गया और टू एक्स की जगह क्या आ गया बेटा एक्स प्लस फोर। तो बेटा मेरा आंसर आ गया वाई, देखिए एट से एट कर गया तो बेटा मुझे मिल गया वाई इजकल टू एक्स प्लस फोर। ठीक है ना, अगली हेडिंग है बेटा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है बेटा, अगर कोई लाइन वाई इजकल टू एम एक्स प्लस सी कर्व को टच कर रही है, अगर कोई लाइन वाई इजकल टू एम एक्स प्लस सी कर्व को टच कर रही है बेटा, तो बेटा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है बेटा सर्कल के लिए प्लस माइनस वन ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, पैराबोला के लिए सी इजकल टू ए बाई एम, एलिप्स के लिए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बेटा हाइपरबोला के लिए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा ये वाला इन एलजेब्रा बेटा जरा समझना, सबसे काम की चीज बेटा हमारी ये है कि सॉल्व कर्व एंड इक्वेशन ऑफ लाइन, कर्व और इक्वेशन ऑफ लाइन को सॉल्व करिए, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब बेटा लाइन को कर्व में डाल दीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और बेटा वहां से डी को जीरो कर दीजिए। ठीक है, और बेटा जरूरी नहीं लाइन को और कर्व को डालें, अगर दो कर्व बोल रखे हैं दोनों में कॉमन टेंजेंट है तो बेटा वहाँ पे भी काम कर सकते हो। ठीक है ना, मतलब जब जब मुझे टच करने की बात आई कि दो कर्व आपस में टच कर रहे हैं, ठीक है, तो बेटा वहाँ पे भी हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बेटा मुझे क्या मिल गया, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और बेटा टच करने की कंडीशन हम जानते हैं डी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और बेटा दूसरा अगर यूज पड़े तो बेटा हम अल्फा इज इक्वल टू बीटा भी कर सकते हैं। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखिए। इफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए इज टेंजेंट टू द कर्व टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस सी, देन फाइंड ए। बेटा दो मिनट दे रहा हूँ, आप ट्राई करिए। बेटा देखिए पहला तरीका तो है, लाइन मेरी है वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ए, तो कंडीशन आप ए सीधे लगा दिए, ए प्लस माइनस अंडर रूट थ्री, याद है ना फॉर्मूला आपको, ए एम स्क्वायर प्लस प्लस बी। ठीक है, तो थ्री ए कितना है मेरा, थ्री है, हाँ जी ए एम स्क्वायर दैट इज माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू दैट इज प्लस माइनस रूट फाइव। ठीक है, द सेकेंड तरीका क्या था बेटा कि कर्व से कर्व और कर्व लाइन को सॉल्व कर लो, तो लाइन से बेटा वाई मुझे क्या मिल गया, ए माइनस एक्स, बेटा मुझे मिल गया टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू सिक्स। रीअरेंज कर लिया बेटा, ये कंडीशन आ गई, मैंने क्या कहा था टेंजेंसी के लिए डी इक्वल टू जीरो, बेटा डी इक्वल टू जीरो कर दिया है। बेटा जब मैं डी को जीरो करूंगा तो बेटा इसको सॉल्व करने में मुझे कितना मिल जाएगा, सिक्स ए का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू थ्री ब्रैकेट में थ्री ए स्क्वायर माइनस इक्वल टू जीरो, सिंप्लीफाई किया बेटा मुझे मिल गया बेटा ये रहा ए स्क्वायर इक्वल टू फाइव दैट इज ए इक्वल टू प्लस माइनस फाइव। क्या सभी को समझ में आया, ए इक्वल टू प्लस माइनस रूट फाइव। ठीक है ना बेटा, ये आपको लेंथी लग रहा है, ठीक है, बट अगर क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट इस तरह का नहीं है तो इजी क्वेश्चन में सीधे पूछ लिया, ठीक है, एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है। जैसे अगला क्वेश्चन आप देखवा देख लीजिए, टेंजेंट टू द कर्व वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एट वन कॉमा सेवन टचेस द कर्व वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्सटीन एक्स वाई प्लस ट्वेल्व वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन फाइंड क्यू, सॉरी एट क्यू, टचेस द कर्व सेकंड कर्व एट क्यू देन फाइंड क्यू। अब क्यू फाइंड करना है, ठीक है ना बेटा, ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोगों को खुद ट्राई करना है, और बेटा अगर कोई भी डाउट है बेटा तो बेटा आप मुझे व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। क्लियर, आज थोड़ा मैं धीरे बोला हूँ, थोड़ा गले में दिक्कत हो रखी है। ठीक है, चलिए बेटा आज की क्लास ओवर।